कह रहे हैं कि रिसेंट जो आप हंगामी सूरत हाल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो इवेंट्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान में वो इन पाकिस्तान के अंदर होने वाली जनरेशन की पोली क्राइसिस की मैनिफेस्टेशन है मज़ाहिर है और मल्टीपल क्राइसिस ओवरलैप्ड बहुत से क्राइसिस मल्टीपल क्राइसिस हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं री एनफोर्सिंग ईच अदर एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं ऑलमोस्ट नो बॉलिंग आउट ऑफ कंट्रोल और तकरीबन ये जो बर्फ की का एक गोला है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है

हालात को हैंडल uh, करने की कोशिश कर रहे हैं

तबाहियां लेकर आ सकती हैं इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी विद द कंपैक्ट स्टिल इंटैक्ट बिटवीन डिफरेंट पावर सेंटर्स ठीक है जो 2021 सितंबर में हमें पावर सेंटर्स के दरमियान इंटेक्ट नजर आता है डिफरेंट

2021 जो कि 2021 के अक्टूबर में हमें हमारे सामने आया

ट विक टू द प्रिवियस गवर्नमेंट ठीक है ये सिंपथेटिक रहे हैं प्रीवियस गवर्नमेंट के हाथों भी तो अब ये चाहिए की न्यू गवर्नमेंट जो है वो अपने हैंड्स जो है उनको टाइटली बांध लेको टैकल करने के लिए सिचुएशन को द सेकेंड ड्राइवर वॉज इकोनॉमिक ठीक है दूसरा ड्राइवर कौन सा है वो मुआशी है एज द वर्ल्ड केम आउट ऑफ द कोविडीन पेंडामिक्वेंटी ट्वेंटी स्टार्टिंग रेपिडली इन द ग्लोबल नॉर्थ के ग्लोबल नॉर्थ में दो हजार बाईस में जो कोविड नाइन्टीन की जो आप सिचुएशन देखते हैं ठीक है, है? उसमें उसके बाद से हमारी इकनॉमिक यानी मुआशी जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़कर सामने वो भरकर सामने आए हॉस्टिलिटीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन फैक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू लेट टू फोर्टी ईयर हाई इन्फ्लेशन ग्लोबली ग्लोबली चालीस साल की इन्फ्लेशन लेकर आए

इंपैक्ट जो के पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंपैक्ट आपको बताए गए हैं ऊपर ड्राइवर्स uh, बताए गए इन दोनों ड्राइवर्स की वजह से जो कंबाइंड इम्पैक्ट बड़ा वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये तकरीबन नजदीक ले गए डिफॉल्ट की डिफॉल्ट के सिंपली पुट एज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग जिनमें हम देख सकते हैं कि तेल, तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमिक इकोनॉमिक के इकोनॉमिकली uh, uh, economic, uh, जो है वो डिसीजन ना ले सके प्रॉपरली पार्टली बिकॉज दे वर टू फोकसड ऑन राइडिंग आउट द पोलिटिकल स्टॉम क्योंकि उनका ज्यादा फोकस जो है वो पोलिटिकली सियासी जो तूफान उठा हुआ था उसकी तरफ था एंड पार्टली बिकॉज ऑप्टीमल डिसीजन सच एज पासिंग ऑन हाई

ठीक है तो एक ऐसी डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी की जरूरत है जिसके नतीजे में ये मतलब हो ठीक है यानी कि डिले uh, ना हो स्टेबलाइजेशन की तरफ ठीक है ज्यादा से ज्यादा की तरफ focus किया जाए और कंट्री हाई इन्फ्लेशन के साथ जिसमें उसका दम घूंटा जा रहा है ठीक है उससे बचाया जाए दो दोजीशन है सम वट स्टेबलाइज और किसी हद हाँ तक इकोनॉमिक जो कंडीशन है कंट्री की वो स्टेबलाइज हो स्टेबलाइजेशन है

ट ही लगाया जा रहा है अंदाजा लगाया जा रहा है कि दो बीस मिलियन जो लोग थे वो बिलो हो गए पवर्टी लाइन से नीचे की तरफ चले गए एस्टिमेट ऑल्सो अंदाजा ये भी साथ साथ शो किया जा रहा है की द लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन पाकिस्तान टू मोर देन टेन मिलियन के जो इकोनॉमिक ग्रोथ की कमी आ रही है उसमें लैकिंग आ रही है ना उसकी वजह से इजाफा होगा अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी में पाकिस्तानी लोगों के अंदर जो कि दस मिलियन जिनका अंदाजा लगाया जा रहा है उससे ज्यादा दस मिलियन से ज्यादा लोग अनुप्लॉयमेंट का शिकार हैं एज द डस्ट सेटल दीज रिस कैरी अंबर ऑफ पॉलिसी लेसन्स ठीक है ये डस्ट सेटल्स जो है एज अ डस्ट सेटल अगर बात की जाए तो ये नंबर ऑफ पॉलिसी लेसन लेकर आई ठीक है फर्स्ट दीज अपेलिंग अपेलिंगनॉमिक इंडिकेटर स्कोर एंड अर्जेंट नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन इकोनॉमिक स्लाइड पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्लाइड हो रही है जो है है ठीक जो वो दिन दिन ब नीचे की तरफ जा रही है ठीक है इंडिकेटर्स भी यही शो कर रहे हैं स्पेशली एज ऑलमोस्ट टू मिलियन यंग पीपल दो मिलियन यंग पीपल की बात की जा रही है उनके स्पेसिफिकली उनके कॉन्टेक्स में बात की जा रही है जो क्या करते हैं हु एंटर द जॉब मार्केट एवरी ईयर जो कि हर साल जो है वो जॉब में uh, हर साल जो है वो एंटर होते हैं आइदर फे अनएमॉयमेंट या तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टेक अप जॉब्स या फिर वो फोर्सफुल्स uh, वो, वो लेने पर uh, लेनी पड़ रही है उनको दैट आर इन एडुकेट इन रिलेशन टू देयर ट्रेनिंग एंड इकनॉमिक नीड्स जो की उनकी ट्रेनिंग या इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए इन एडुकेट है ना काफी है अकॉर्डिंग टू आसियान डेवलपमेंट बैंक आसियान डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो गिवेन पाकिस्तान से पाकिस्तान की इलास्टिसिटी की जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जीरो पॉइंट फाइव परसेंट तक पहुंच गई है इट वुड टेक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट सेवन परसेंट टू क्रिएट अफिशियट नंबर ऑफ जॉब जरूरत कितनी है एटलीस्ट सात परसेंट जो है वो क्रिएट की जाए तभी नंबर ऑफ जॉब जब इतनी होंगे तो ही बेहतर थोड़ा बहुत हो सकता है बेहतरी की तरफ सिचुएशन जा सकता है the end.

और बहुत ही जो है खतरनाक किस्म के सख्त किस्म की पोली का नियर फ्यूचर में सामना करना पड़ेगा सेकेंड दूसरे नंबर पर क्या बता रहे हैं जी द एबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स टू क्रूशियल रोल अब दूसरा जो है, ability, जो है कि कुछ एलिमेंट्स के जो कि में और ज्यादा अपना क्रिशियल रोल अदा करें उनमें क्या टेक्नोलॉजी है ठीक है सोशल मीडिया है प्लेड इन द रिसेंट क्राइसिस जो कि उन्होंने रिसेंट क्राइसिस में भी अपना रोल प्ले किया जैसा देखते हैं कौन कहता है जी निलोफर सिद्दीकी

जो है वो यंग जो वोटर्स हैं उनके जहनों में उनको उनको वो कर रही है अपनी तरफ दो डिफरेंट नेरेटिव बिल्डअप करके ठीक है जिसकी वजह से क्या हो रहा है सम ऑफ दीज इन मैन्युफैक्चर जो थी ना आ, लोगों के अंदर उसको कर रही है. यंग पीपल इन पर्टिकुलर खसूसी तौर पर यंग लोगों की बात की जा रही है और लूजिंग फेथ इन द पॉलिटिकल लीडरशिप एबिलिटी टू स्टीयर पाकिस्तान आउट ऑफ इट्स प्रेजेंट डिफिकल्टीज जो कि उनके अंदर से फेथ को खत्म करते जा रहे हैं ठीक है फेथ को

तो ये या ये जो हेटफुल स्पीचेस दी जा रही हैं उनके जहनों को खराब किया जा रहा है ठीक है तो उसको रोकने के लिए कुछ मैयर करें कुछ स्टेप्स निकालें ऑप्टिमिज्म को फॉलो करें उसको लेकर आए उन, उन लोगों के अंदर उन यूथ के अंदर उस यूथ के अंदर जो कि होप जो है वो लूज करती जा रही है द सिग्निफिकेंस ऑफ बेटर कम्युनिकेशन फॉर द यूथ कैन नॉट बी ठीक है लेकिन सिर्फ सिग्निफिकेंस होना बेटर कम्युनिकेशन के लिए वो भी काफी नहीं होगा एज पाकिस्तान इज वेरी यंग कंट्री विद मीडियम एज ऑफ ओनली अबाउट ट्वेंटी थ्री ईयर्स जिनमें पाकिस्तान में, में ज्यादातर जो लोग हैं वो तेईस साल के दरमियान इस तरह से पाए जाते हैं बटर कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेटर कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है एज द एडवेंट ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ मेकिंग द स्प्रेड ऑफ डीप फेक्स वेरी इजीली ठीक है लेकिन जब से आमद हुई है एडवेंट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ये इस तरीके से बहुत तेजी से काम कर रही है ठीक है लास्ट एंड पर हैज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आखिर में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पाकिस्तानी पेरिनियल पोलिटिकल

In 1968 जो के थे, उन्होंने 1968 में इस हवाले से आर्ग्यू किया था, क्या कहते हैं जी सुर एज प्राइमरी अगेंस्ट सोशल वायलेंस ठीक है किसके अगेंस्ट सोशल वायलेंस के अगेंस्ट पॉलिसी मेकर मस्ट डू देयर आर्ट टू एंश्योर दैट द वाइड ओपन सो दैट द अपॉर्चुनिटी टू एवॉल्व और विदर अवे डेमोक्रेटिकली तो यहाँ पे पॉलिसी करवाना चाहिए कि ऐसी स्पेस रखे जिनमें जो है वो अपोजिशन है उन सबको तमाम पोलिटिकल पार्टीज को यह स्पेस मिले ये अपॉर्चुनिटी मिले की वो डेमोक्रेटिकली अपने प्रजेंट कर सके अपने आप को पाकिस्तान मस्ट नॉट टेक एन अथॉरिटेरियन टर्न पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन टर्न नहीं लेना चाहिए दिस दिस वुड इरेज़ द टेंजिबल गेन्स पॉलिटिकल सिस्टम हैज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी की तरफ जो टेंजिबल गेन्स हैं वो फिर हासिल नहीं हो पाएंगे उसको ये खत्म कर देगा ठीक है अगर हम अथोरिटेरियनिज्म की तरफ जाएंगे या उसकी तरफ टर्न लेंगे तो

पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज